नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सचिन पायलट ने कई बार हिम्मत दिखाते हुए अशोक गहलोत से आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट हर बार नाकाम रहे। अशोक गहलोत की राजनीति में सचिन पायलट हमेशा बुरी तरह से फंसते चले गए। गहलोत ने हर बार जादू की छड़ी घुमाई और पायलट का पत्ता साफ कर दिया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे गहलोत की गर्जना भी सुनाई देने लगी थी। ये बात बिल्कुल सही है कि पायलट पूरे 5 साल तक कांग्रेस को मजबूत करने में लगे थे, लेकिन अशोक गहलोत जादू की छड़ी के आगे पायलट हवा में उड़ गए। गहलोत ने पायलट को इतना हवा में उड़ाया कि वे राजस्थान की राजनीति से ही उड़ गए। बात कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर लेते हैं, जहां ऐसा अजीब वाक्य हुआ, जहां माइक अशोक गहलोत की तरफ था, इसलिए सचिन पायलट बिल्कुल निश्चिंत बैठे थे कि सवाल तो मुख्यमंत्री जी से ही किया जाएगा। आराम की मुद्रा में बैठे सचिन पायलट को यह पता था कि मुख्यमंत्री से गुर्जर आरक्षण पर सवाल जरूर किया जाएगा। अशोक गहलोत भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, और जैसे ही गुर्जर आरक्षण में सवाल आया तो उन्होंने सचिन पायलट की तरफ इशारा कर दिया। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। इशारों में अशोक गहलोत ने ऐसा 3 मारा कि सचिन पायलट को झटका लग गया। वे अचानक से ओझल हो गए और तिलमिलाने लगे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि अशोक गहलोत इस तरह से पूरे मीडिया के सामने उनका मजाक बना देंगे। लेकिन राजनीति के जादूगर इसलिए अशोक गहलोत कहे जाते हैं क्योंकि वे किसी भी वक्त पासा पलट सकते हैं। जब सचिन पायलट माइक पर बोल रहे थे, तब अशोक गहलोत के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। ये मुस्कान सचिन पायलट की बेइज्जती करने के लिए काफी थी। सब समझ रहे थे कि किस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निशाना बनाया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाता है। ये अशोक गहलोत ने साबित कर दिया। गहलोत की मन ही मन मुस्कुराहट सचिन पायलट का चैन छीन रही थी। अब तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ गए हैं, ऐसे में अशोक गहलोत सचिन पायलट का जीना हराम कर देंगे। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।